गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जो क्लास आपकी 8:30 बजे शुरू होनी थी वो फाइनली 15 मिनट लेट यानी 8:45 पे शुरू हुआ है। चलिए, तो जितने सारे बच्चे जुड़े हैं एक बार लिंक को कॉपी करके, करोगे तो नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं रोज जैसे कहता हूँ कि एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो ताकि और सारे बच्चों को पता चल सके। चलो मैं कर दे रहा हूँ, आप तो करोगे नहीं, इसलिए लेट हुआ क्लास आपकी। रीजन बिहाइंड कि थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो जाने के बाद आपको पता ही है कि ये स्टूडियो है नहीं। जितने सारे क्लासेस मिल रही हैं अभी सब लॉकडाउन के वजह से घर से ही क्लासेस मिल रही हैं, इसीलिए थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच हो जाने के बाद समझने में टाइम लगता है। फिर स्टूडियो पर्सन से कनेक्ट हो जाओ, फिर उनको कॉल करो कि सर ये प्रॉब्लम हुआ है, फिर वो वहाँ से डायरेक्शन करेंगे, तब जाकर क्लास को फाइनली शुरू करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ? सरिता, रवि, पीयूष, पूजा, सिंपी, अमरजीत, दामोदर, डेडमैन, गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, मुकेश, अच्छा मोदी जी भी जुड़े हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी, लॉकडाउन कब हटाओगे? ईशानी जी भी, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं और देखते हैं बिना ऑप्शन जो सप्ताह में आपको दो बार मिलता है, सैटरडे और संडे को। तो बिल्कुल जैसा मैं कहता हूं वैसे ही तैयार रहना। तो डीआरडीओ की अगर तैयारी करते हो तो जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी पे, कोड यूज करिए BA BA 10, जिससे आपकी तैयारी को और बल मिलेगा। चैनल ओपन किए गए हैं एक लाइव टेस्ट के लिए, की बात करेंगे तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है, जो बेंगलोरियन है, बेंगलोरियन इन द सेंस कि कर्नाटक की रहने वाली है, कर्नाटक की रहने वाली है, और 2019 में इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया था, 21 वर्षीय उम्र में इन्होंने टेबल टेनिस जीता था। बहुत बढ़िया यार, मतलब कुछ बच्चे देखो अमरजीत हैं, कुछ बच्चे इनका जवाब बिल्कुल इतना सॉलिड आता है, मजा आ जाता है। ईशानी जी भी है, विकास भी है, नहीं विकास जी गलती कर दिया, यानी टेनिस से हैं, याद रखना, अर्चना कामत जो कर्नाटक की हैं, कहां की हैं? कर्नाटक की हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए टाइमर चलेगा तो मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, याद रखना। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट एक्सेस टू द इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि इंटरनेट तक पहुंच मौलिक अधिकार है? दैट मीन्स आर्टिकल नंबर 19 या आर्टिकल नंबर 19A, आर्टिकल नंबर 19A या 1 या का कहता है कि सर इंटरनेट तक पहुंच मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि इंटरनेट तक पहुंच मौलिक अधिकार है भारत में, चाइना नहीं है सर, चाइना होता तो बैन कर दिया जाता। तो फंडामेंटल राइट्स है, दैट मीन्स आपको पता है कि अनुच्छेद 1A में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस सेशन के बाद अपने आप को इतना बेटर फील करोगे, क्योंकि बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमारी मेमोरी कितनी देर तक सोचती है, कितना जबरदस्त सोचता है। ठीक है, समझ में आ गया? अनुच्छेद का 1A बोलने की आजादी। कौन पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला पहला व्यक्ति था? पूरक ऑक्सीजन यानी बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो कई सारे सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने पर, तो पहला व्यक्ति दोरजी नहीं। किसका जवाब सही है देख लो,
किसी का है, किसी का जवाब सही नहीं है, किसी का जवाब सही नहीं है। किसी का जवाब सही नहीं है, जिसके मन में जो आ रहा है बताते जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि आप कितना सोचते हो। रेनहोल्ड मेसनर, रेनहोल्ड मेसनर जो पहले व्यक्ति हैं बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतह किए हैं। अब आपका होमवर्क यही है कि सर ये किस देश की है। मुझे पता है, मैं तो बता ही दूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अपने दिमाग को और जलाओ ताकि ये पता चले कि ये किस कंट्री से हैं, ये किस देश से हैं, किस देश से हैं। ठीक है, हर साल नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून। कब मनाएंगे इसे? 26 जून। कब मनाएंगे? 26 जून। किसी का जवाब? 31 मई, 14 जुलाई। बहुत डे लिखते हो आप लोग जब पढ़ाते हैं, तो ईशानी जी का जवाब देखिए 26 जून, बिल्कुल सही। एक गरीब लड़का तो गरीब ही रहेगा बेचारा, वो तो सही कर पाएगा नहीं, गरीब है ना वो, गरीब के पास दिमाग कहाँ होता है, इसलिए तो नाम रखते हो गरीब लड़का। अरे यार कैसे कैसे नाम रखते हो यार, कम से कम हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा राजा हो, राजा बेटा नाम रखा जाता है, आप रखते हो गरीब लड़का। ये भगवान का हो ही दुनिया। शुभम सिंह आप यही पूरे क्लास में टाइप करना इसी को, क्योंकि आपसे क्वेश्चन तो और बनेगा नहीं। आनंद जी देख लेना बढ़िया से, मैंने कब बताया था, अमित शाह ने कर्मोदय ग्रंथ नामक एक पुस्तक लॉन्च की जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन पर आधारित है, तो किसने किया, यानी कह दें कि राम के भक्त हनुमान ने। भाई वैसे ही तो जोड़ी है, यानी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं मोटा भाई की बात करें, जिनका लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर है, गांधीनगर है। भैया कोई मोदी जी था नाम, कोई नरेंद्र मोदी करके पढ़ने आया था, उनको तो पता होगा कहाँ लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। Who is the author of Divine Comedy? Divine Comedy के लेखक कौन है? और ये इतने फेवरेट सवाल हैं SSC के, रेलवे के, यू कांट अमेजिन, को आप सोच नहीं सकते हो, अमेजिन कर नहीं सकते हो, इमेजिन कर नहीं सकते हो कि कितनी बार पूछा गया है। तो ये सर दांते का है, किसका? दांते अलघेरी। डिवाइन कॉमेडी किसकी है? दांते अलघेरी का है। बहुत बढ़िया, देखो कितने लोग बताए हैं यार, मतलब कुछ बच्चे इतने अल्टीमेट है ना, जो बिल्कुल दिल को दिल में जगह बना लेते हैं। बिना ऑप्शन के अगर ऐसे सवाल आपको याद है तो आपकी सोच, आपकी तैयारी लाजवाब है। कोसते हैं हम भारत सरकार को, भैया एग्जाम ले लो। कुछ बच्चे बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि आप जैसे एग्जाम अनाउंसमेंट करोगे वो तुरंत जॉब ले लेंगे, तुरंत जॉब ले लेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, हैट्स ऑफ यार डियर, अगर आपकी तैयारी इतनी बढ़िया है तो। बिना ऑप्शन के अगर आप सही करते हो, आपकी तैयारी बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल इटली के दांते थे, बहुत बढ़िया।
किसमें आमतौर पर हार्मोन नहीं पाया जाता है, सोच सकते हैं क्या? देखो भैया एक आया है, भाभी जी आई है, नाम रखते हो यार, बहुत बढ़िया सोच के रखते हो ऐसा। तो बिल्ली में आमतौर पर हार्मोन नहीं पाया जाता है, बिल्ली में आमतौर पर हार्मोन नहीं पाया जाता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, फैलिस्किटस। बिल्ली में आमतौर पर हार्मोन नहीं पाया जाता है, याद रखना। अमित कुमार दास अब शाम को आइए 6 बजे, वहां ऑप्शन देंगे आपको। किसने कहा कैट, शुभम सिंह, बहुत बढ़िया। यानी बिल्ली में आमतौर पर हार्मोन नहीं पाया जाता है, बिल्ली के साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, फैलिस्कैटस। पसंद आ रहा है? और मैं जहां रहता हूं ना वहां पे दो बिल्ली है, दो बिल्लियां हैं, वो जैसे ही ऑफिस आते थे, जब स्टूडियो में थे तो जैसे ही आते थे अपने फ्लैट पे, वो पीछे पीछे आ जाती थी, क्योंकि उसे आदत लग गया था ब्रेड का, आदत लग गया ब्रेड का। किसी दिन उसकी वीडियो बना के मैं अपने FB पेज पे डाल दूंगा, देखना अगर आप हमारे FB पेज पे होंगे तो। इन विच स्टेट अराकू वैली इज सिचुएटेड, जल्दी आठ अगस्त कैट डे, अरे क्या बात है सानी जी। अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट अराकू वैली इज सिचुएटेड? अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में लोकेट है। नंबर 9, जल्दी। अरे ये मैं पढ़ा चुका हूं अराकू घाटी, याद करिए ना, कई बार पढ़ा चुके हैं, बस याद करने की जरूरत है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हरिका द्रोणवली किस खेल से जुड़ी हैं? हरिका द्रोणवली जो अर्चना कामत के समय में आप चेस कह रहे थे, वो चेस है हरिका द्रोणवली, जो आंध्र प्रदेश की हैं। कहां की हैं ये? आंध्र प्रदेश की हैं। कहां के बच्चे? आंध्र प्रदेश की हैं। शतरंज की बात करेंगे तो 64 खाने होते हैं इसमें, कितने बॉक्स होते हैं? 64 खाने होते हैं। और शतरंज का जनक किसे माना जाता है? इंडिया को माना जाता है। चेस का जनक किसे माना जाता है? इंडिया को माना जाता है, याद रखना, ठीक है। सर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे, पहले ये 22 भाषा में दिया जाता था, अब इसमें दो भाषा जोड़ा गया है, कौन कौन? तो एक इंग्लिश और एक राजस्थानी। एक काम करो, जितने भाषा है देखो, कोई तो 222 बोल रहा है, बताओ कौन है? अमरजीत कुमार, 222 भाषा, अरे बाप रे, क्या कियो पाकिस्तान वकिस्तान, पाकिस्तान भूटान नेपाल का जोड़ दियो क्या? 24 लैंग्वेज है बच्चे, 22 जो आठवीं अनुसूची में है, 22 जो 8th शेड्यूल में है, और दो जोड़ा गया है इंग्लिश और राजस्थानी। देयर आर 24 लैंग्वेजेज, कितने भाषा? 24 भाषा में। तो कौन कौन सा जुड़ा? इंग्लिश और राजस्थानी जुड़ा है। नहीं, ऐसी भी राजस्थानी भाषा बहुत मीठी होती है, याद रखना, पता नहीं क्या कैसे बोलते, बड़ा प्यारा लगता है सुनने में यार। नहीं, तो 22 भाषाओं में से 24 को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया, अंग्रेजी और राजस्थानी के साथ में। यानी कितने भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेज है, 24 लैंग्वेजेज हैं, 24 लैंग्वेज हैं। चलिए नंबर 11,
मजा आ रहा है सेशन? अगर सेशन मजा आ रहा होगा तो लाइक कर देना सर, बिल्कुल ऐसा सेशन तो कम से कम वीक में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपकी जो सोच है कैसी तैयारी है ये पता चल जाता है। ये ऑप्शन रहता है तो बिल्कुल मजे से मार देते हो, बिना ऑप्शन का आए तो क्या होगा। कांगेर घाटी की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहां है बच्चे? छत्तीसगढ़ में। चलिए प्रताप जी भी जुड़ गए। बिल्कुल सीजी किसने कहा? अननोन पर्सन। चलिए उनका नाम नहीं है भैया, लगता घर वाले नाम नहीं रखे हैं। यानी कांगेर घाटी जो पार्क है वो कहां पे है? छत्तीसगढ़ में लोकेट है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या कांगेर घाटी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन जगदलपुर छत्तीसगढ़ इन बस्तर रीजन। इट बिकेम अ नेशनल पार्क इन 1982 या 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कहां है ये? छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। यार एक बार कॉपी करके लिंक को शेयर तो कर दो मेरे प्यारे। सोनी कुमारी सिंह कह रही है मेरा नाम कभी नहीं लेते, आप जवाब भी तो नहीं देते। बिल्कुल गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी भी है। लॉटरी पर जीएसटी की बात करेंगे 28%। कितने? 28% लॉटरी पर जीएसटी है। जीएसटी डे की बात करें 1 जुलाई, 1 जुलाई एसबीआई डे भी है याद रखना, 1 जुलाई को डॉक्टर डे भी है याद रखना। और जीएसटी भारत में 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये सीरीज है भारत में जीएसटी, ये सीरीज है भारत में जीएसटी की, ठीक है। Who appointed as Army Chief in India of India 2020? चलिए अच्छा क्लास देखती हैं। थैंक यू सोने जी, शुक्रिया। नरवाने साहब को मनोज मुकुंद नरवाना या नरवाने साहब को भारतीय सेना प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया। किसे? ये तो बता ही दोगे, पता है ये तो, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हलवा वाली सवाल, बिल्कुल हलवा वाली सवाल है तो बता ही दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। सेशन मजा आता है यार, लाइक नहीं कर तो लाइक कर देना बच्चे, थोड़ा सा हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाए, इन द सेंस कि बच्चे हमारे क्लास को पसंद करते हैं। एक घंटे की अगर देशांतर की बात करेंगे तो कितना होगा? 15 डिग्री। सर कैसे? कैसे मतलब क्या? अगर ये अर्थ की बात करें, देखो हमारे ऐसे भी फिगर से ही बनता नहीं है पृथ्वी, देखो रोटी हो गई है, तो ये टोटल टोटल लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो कितने लॉन्गिट्यूड हैं? 360। पृथ्वी को चक्कर लगाने में कितना देर का समय लगता है पूरा वेस्ट से ईस्ट जाने में? तो 24 घंटे यानी 360 डिवाइड 24 1 24 64 क्या कितना बचा? 2 0 1 24 बचे 20 120, यानी कितना लग गया? 15 डिग्री। कैसे निकला 15 डिग्री? आ रहा बात समझ में? क्योंकि पृथ्वी को चक्कर लगाने में सूर्य का पश्चिम से पूरब कितने देर का समय लगेगा? 24 घंटे का। जबकि हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो कितने लॉन्गिट्यूड है? 360 डिग्री। 360 लॉन्गिट्यूड है। कितने लॉन्गिट्यूड है?
360 लॉन्गिट्यूड है, याद रखना, ठीक है। इसी से हम टाइम जोन निकालते हैं, इसी से हम टाइम जोन निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी भाई। हितेश प्रजापत कह रहा है 10 जुलाई को मेरा बर्थडे है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस है। तो ऐसा नहीं है कि आपके जन्म के बाद ही जनसंख्या दिवस मनाया गया। पीयूष गोयल जी किसी दिन टाइम जोन के बारे में बता देंगे, ठीक है, किसी दिन टाइम जोन के बारे में बता देंगे, नखे परेशान होने की बात। बिल्कुल, दो देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। आज गलत हो रहे हैं, कितने डिपेंड है सर आप ऑप्शन पे। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। अब आपको बताना है सबसे कम कहां है, सबसे कम कहां। मैक्स टू मैक्स जवाब चाहिए मुझे। एक सप्ताह गले फाड़ फाड़ के पढ़ाते हैं इसीलिए कि जब बिना ऑप्शन के सवाल लेकर आए तो आपकी मेमोरी अच्छी हो। भाई साहब कंपटीशन बहुत टफ आने वाला है लॉकडाउन के बाद, ये आप नोट कर लो। आज सैटरडे हनुमान जी का दिन, कि रोहित सर ने कहा था, लिख लो कहीं पे डायरी कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एग्जामिनेशन आएगा, कंपटीशन इतना टफ होगा कि आपके अपने आप पर ही कदम रख के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा, बहुत बढ़िया। सर ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी। सीधा तो कहा कि सूर्य के प्रकाश में कौन से विकिरण से टैनिंग और सनबर्न होता है, टैनिंग और सनबर्न होगा। सर सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है फिरोज, जब लास्ट में बताएंगे हम अपना व्हाट्सएप नंबर, तो वहां पे मैसेज करना, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो सर यूवी रेज आपको पता है, ये क्या होगा यूवी रेज, अगर ओजोन परत नहीं होता समताप मंडल में तो हम ऐसे ही उबले हुए अंडे की तरह दिखते, क्यों, पूरा स्किन जल जाता हमारा, स्किन कैंसर होता हमारा। तो याद रखिए ओजोन परत जो समताप मंडल में है कितना 90% और 10% कहां है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में है, क्षोभ मंडल में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, लवकुश परिहार जी अब वीडियो को फास्ट फास्ट करके देख लीजिएगा जब ऑफलाइन होगा तब। इन विच ईयर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी फाउंडेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो एनसीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1999 में। किसने किया था, शरद पवार ने। ये उसी समय हुआ था जब यूपीए की सरकार बननी थी, यूपीए बना था और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, तब यही शरद पवार साहब हैं जिन्होंने सोनिया गांधी विदेशी हैं का मुद्दा उठाया, अरे 1885 वालों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पूछा है, आईएनसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पूछा है, मतलब कहां 1885 के चक्कर में हो। अच्छा जरा बता रहे कमेंट बॉक्स में, शरद पवार जो हैं क्या वो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, पापा की परी शिवली जी, नहीं आज हमारी क्लास अनअकैडमी पे नहीं है, गला हमारे बहुत ज्यादा खराब है इसीलिए केवल क्लास रखा गया है जो आपके रेगुलर क्लास होते हैं यहां, इसीलिए ओजोन लेयर की थिकनेस डॉप्सन से मापते हैं, ठीक है।
चलिए बना है ना बिल्कुल आईसीसी के चेयरमैन बने याद रखना। भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, यानी फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया। हाँ फ्रांसीसी रेवोल्यूशन कह सकते हो, फ्रांसीसी क्रांति कह सकते हो, बिल्कुल। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बच्चे जैसे क्लास खत्म होगा आपको ये पीडीएफ वाईफाई स्टडी ऐप पर भी मिलेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा। मोहिनी अट्टम नृत्य की बात करें तो ये केरल, मोहिनी अट्टम, कथकली, कथकली। अभी ऑप्शन रहता तो बना देते, मुझे पता है ना, ऑप्शन रहता तो बिल्कुल बना देते, लेकिन ऑप्शन नहीं है तब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर भी कुछ बच्चे ने जबरदस्त जवाब दिया, केरल। कुछ बच्चे हैं जो तमिलनाडु के चक्कर में हैं, छोड़ दो तमिलनाडु मत जाओ, केरल जाओ, खूबसूरत जगह है वहां, और इतनी अच्छी नृत्यांगना देख लो, भाव भंगिमा इनकी, पोस्चर इनकी। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फेसबुक इन यूएसए? संयुक्त राज्य अमेरिका में फेसबुक का मुख्यालय कहां है? जल्दी सतारिया, सतारिया भैया, सतारिया असम का है याद रखना, सतारिया असम का है याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका में फेसबुक का मुख्यालय की बात करेंगे, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया। कहां पे? सर पता है मैंने जब ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे तो मैंने सोचा यूएसए डाल दूं, ना तो आप क्या करोगे, यूएसए डालोगे, यूएस अगर यूएसए नहीं होता आप यूएसए डालते, लेकिन इसीलिए मैंने सोचा कि ना यूएसए लिखो, तब ये पता चलेगा कि आप कहां तक याद किए हो, तब आपने कैलिफोर्निया मारा। अगर कैलिफोर्निया में कहां होता तब मेनलो पार्क, कहां होता मेनलो पार्क। फिर भी कुछ लोग सैन फ्रांसिस्को के चक्कर में हैं यार, एफबी चलाते हो ना, मार्क जुकरबर्ग को गुस्सा आ गया कि इसे अभी तक फेसबुक का हेडक्वार्टर नहीं पता है, आपकी एफबी ब्लॉक, आपकी एफबी ब्लॉक, बिल्कुल घटाओ इसे, इसे ये तक नहीं पता है कि मार्क जुकरबर्ग ने जो बनाया फेसबुक वो कहां है, कहां होगा। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी। बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया और हंगरी की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब। किसके तट पे है? डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे। यानी ऑस्ट्रिया, सर्बिया की और हंगरी की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे। तो ये देखो ये डेन्यूब है, ये ऑस्ट्रिया यहां पर हो गया, ये हंगरी यहां पे हो गया, ये सर्बिया यहां पे हो गया, यानी ये कैपिटल सिटी से निकला है ये, और जाकर ब्लैक सी, काला सागर में मिल जाता है। कहां? काला सागर में मिल जाती है नदी ये। तो याद रखना, ये मैप में भी आप देख सकते हो, मैप में भी आप देख सकते। Who is regarded as a maker of modern India? Question number 22. Who is regarded as maker of modern India? किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? क्या हो सकता है जरा खुद सोचिए, टाइमर चला जाने के बाद भी अगर सोचेंगे हम तो राजा राम मोहन राय। क्यों? क्योंकि सर इन्होंने इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देने का प्रयास किया, पहला।
दूसरा कई सारे पुनर्जागरण कार्यक्रम चलाए, पुनर्जागरण कार्यक्रम चलाए, अपनी सैलरी अपनी पैसे से इन्होंने बंगाल में शिक्षा का अलख जगाया, शिक्षा का अलख जगाया, अलख जगाया। फिर इन्होंने 1928 में या 1828 में बताओ 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर इन्होंने 1829 में सती प्रथा को हटाया, सती प्रथा को हटवाया विलियम बेंटिक के मदद से। इसीलिए इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत या आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। इन्हें राजा की उपाधि दी गई किनके द्वारा, तो मुगल सम्राट अकबर सेकेंड के द्वारा, अकबर सेकेंड के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। जूट कल्टीवेशन इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन द डेल्टा एरिया ऑफ विच रिवर। भारत में जूट की खेती किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है। अगर मैं डेल्टा क्षेत्र की बात करूं तो ये जाएगा सर गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो सुंदरवन का डेल्टा है, जो सुंदरवन का डेल्टा है, यानी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा ना कहें क्योंकि ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र बहुत कम है, ब्रह्मपुत्र कहेंगे गलत हो जाएगा। हमें क्या कहना पड़ेगा, गंगा का डेल्टा जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के पास है। खुद सोचिए ना सर, जूट की खेती की बात करता है तो सबसे ज्यादा जूट की खेती कहां, बांग्लादेश में। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब वेस्ट बंगाल, जब भारत का विभाजन हो गया तब जितने सारे फैक्ट्री थे जूट के वो रह गए कहां, हमारे वेस्ट बंगाल में। और जो रॉ मटेरियल के लिए जो हमें मिलना था कच्चे माल, ये चला गया बांग्लादेश, ये चला गया बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल संदीप जी, अठारह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो सर ये थे लॉर्ड पामस्टन, 1857 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब ये सोचोगे कि प्रधानमंत्री क्यों, मैं यहां वायसराय क्वेश्चन की जगह पे, वायसराय बनी हुई थी क्वेश्चन हमारे पास, मैंने क्या किया पीएम, क्योंकि पीएम जल्दी याद रखते नहीं हो, पीएम जल्दी याद रखते नहीं हो, क्योंकि हमें चर्चिल याद होता है, इटली याद होता है, क्लिमेंट एटली, इसीलिए क्योंकि भारत की जब आजादी हुई थी 1947 में तो उस समय क्लिमेंट एटली था, जबकि वायसराय कैनिंग है, वायसराय कैनिंग है। तो कौन था, लॉर्ड पामस्टन इज राइट, ना चर्चिल ना एटली ना और कोई। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ भारत में तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, लॉर्ड पामस्टन थे। 25 नंबर क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ कलिंगा, कलिंग की राजधानी। सर ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल, अगर ये जवाब ना दे पाए तो हमारे लिए हमारे तैयारी पर सोचने की जरूरत है। अगर आप इसकी जवाब नहीं दे पाते हो, ईशान जी का जवाब दिख गया बहुत बढ़िया, और किसी का यथार्थ माफी जाएंगे। देख लो गले की हालत बहुत खराब है, फिर भी मैंने सोचा ना यार क्लास ले लो इनकी, क्लास नहीं लेने से इनको नुकसान हो जाएगा, तो कम से कम हमारे इस एफर्ट को ना कहां दिखेगा, आपके रिजल्ट
और कल कमेंट्स तो आप लोग करते नहीं हो यार, कमेंट्स कर दिया करो, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं बच्चे हमारे क्लास को लाइक करते हैं। तो तोसली और कलिंग वार की बात करेंगे। आपको पता है 261 बीसी में कलिंगा युद्ध हुआ था अशोक के समय में, और राजा पद्मनाभन कौन था? पद्मनाभन था शासक जो 261 ईस्वी में कलिंगा वार हुआ था, जो अशोक के 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलता है। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अब अपना बताइए कि 25 प्रश्न में कितने सही किए, ये आधा पड़ाव, आधा पड़ाव, अभी 25 प्रश्न बाकी हैं। जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि 25 में कितने सही किए, 25 में कितने सही किए, जरा जल्दी बताइए 25 में कितने सही किए। 25 में कितने क्वेश्चन सही किए हो, जरा जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ सोनू कुमार जी, अपना जवाब देते ही नहीं हो, कैसे मान लू, हो सकता है कि आप लड़की हो, अपना नाम सोनू कुमार रख दिया, क्योंकि कई सारे लड़कियों के नाम भी सोनू होते हैं। याद करिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उनमें से जो मास्टर भेड़े की बेटी है उसका नाम भी सोनू है, मानते हो ना? 15, 17, 20, तो क्यों लेट से आए, जब आपको पता है क्लास है आज तो जल्दी आओ ना फिर। तो दुनिया में किस देश में पौधों की संख्या सबसे ज्यादा है? चीन में। कहां है सर? चीन में सबसे ज्यादा, मतलब टोटल पौधों की संख्या की बात करेंगे तो उनमें से 7-8% पॉपुलेशन कहां रहता है? चीन में निवास करता है। कहां निवास करता है? चीन में निवास करता है। कोरोना कह दो, चीन के जगह पे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इंडोनेशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है, याद रखना इंडोनेशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है। मानव शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का भंडारण होता है? तो ये हो गया लीवर। कहां होगा ये? लीवर, जो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करेंगे। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फास्ट, लीवर में फाइब्रिनोजन प्रोटीन और हिपेरिन प्रोटीन दोनों का निर्माण होगा, जहां फाइब्रिनोजन क्या करेगा, बॉडी के बाहर ब्लड को क्लॉटिंग करेगा, जमने में मदद करेगा, हिपेरिन अंदर में जमने में मदद नहीं करेगा, ये रोकेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हेपेटोलॉजी नेफ्रोलॉजी की बात करेंगे बच्चे, किडनी है। चंदन जी का जवाब दिखा, इसाने का दिखा, गरीब लड़का भी आज बता दिया, बहुत बढ़िया। गरीब लड़का कैसे बता दिया यार, वो तो गरीब होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के न्यूनतम और अधिकतम आयु? सर न्यूनतम है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो दो, एक साथ दो सवाल है यहां, न्यूनतम और अधिकतम की बात करता है। आप 35 लिखेंगे तो एक सवाल बताया आपने, दूसरा सवाल कौन बताएगा? यानी मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज, नो अपर लिमिट, कोई ऊपरी सीमा नहीं है। कैसे 65 वर्ष कह दे रहे हो? मान लो अडवाणी जी के 80 प्लस एज है, वो भी तो राष्ट्रपति बनने के दौड़ में होंगे, मतलब फर्जी के 65 वर्ष डाल दो, देखा जाएगा। देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 29,
एशियाई खेलों को किस शहर में सबसे अधिक बार आयोजित किया गया है? तो सबसे ज्यादा बार एशियाई खेलों को बैंकॉक थाईलैंड में सफेद हाथियों का देश वहां किया गया है। 1951 में शुरुआत किया गया, जो सबसे पहली बार कहां खेला गया? दिल्ली में। कहां खेला गया? दिल्ली में 1951 में शुरू हुआ था, 1951 में शुरू हुआ था। तो सबसे ज्यादा बार बैंकॉक में 4 बार हुआ है, बैंकॉक में 4 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा ये सेशन मजा आता है, अगर सेशन मजा आता है मैं चाहता हूं जितने सारे बच्चे यार कम से कम थंब दिखा दो कि सर बिल्कुल ये सेशन हमें अपने सोचने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि YouTube के इतिहास में या जितने सारे YouTube चैनल हैं कहीं भी इस तरह का सेशन चलता होगा। क्या चलता है ऐसा? क्योंकि आप सारा सेशन देखते हो, सारे YouTube चैनल देखते हो, आई नो मुझे पता है कि बच्चे ये वही कहानी है कि घर में मतलब गांव मोहल्ले में एक बूढ़ी अम्मा होती है, वो जब तक 10 घर नहीं जाएगी तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारे कुछ बच्चे हैं जो 10 चैनल जाएंगे, जहां अच्छा खाना मिला, अच्छा कंटेंट मिला, वहां वो टिकते हैं। तो ये इस तरह के सेशन पता है आपकी जो मेमोरी है, मैंने जो एनालाइज किया, सोचने के लिए मजबूर करता है। तो जवाब इसका बिल्कुल गलत आपके जितने लोग हैं। सुजाता वी मनोहर भारत की दूसरी महिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो कहां भारत की बात कर रहे हैं, दैट में सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर भारत की बात नहीं करते तो दैट मींस हाई कोर्ट की बात करते, ये खुद से अंडरस्टूड होना होगा। भारत यानी सुप्रीम कोर्ट, भारत नहीं होता तो हाई कोर्ट होता। तो पहली दूसरी महिला जस्टिस सुजाता वी मनोहर हैं, सुजाता वी मनोहर हैं, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। लीला सेठ की बात करेंगे तो सर वो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस हैं। सोचो ना इस क्वेश्चन में कितना मर्म छुपा है, भारत की दूसरी महिला न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी सीजेआई नहीं बनी है। पहली कौन थी? ये दूसरी है, पहली है एम फातिमा बीवी। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31, वीबो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। तो किसका है ये? ये चीन का है। किसका है बच्चे? ये चाइना का है। किसका है? ये चाइना का है। कह दो ना यार कोरोना है, कोई डॉट थोड़े है। क्योंकि अभी मैं कल न्यूज देख रहा था, उस न्यूज में बिल्कुल यूएसए वर्सेस चाइना ठाना हुआ है। यूएसए ने तो ये ठान लिया है कि चाइना को तो सबक सिखा देना है। चाइना भी पूरा कमर कसे हुए है, क्या पता आने वाले समय में थर्ड वर्ल्ड वार देखने को मिले, जैसी स्थिति परिस्थिति बन रहा है। लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि कई सारे देश कूदेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ कूदेगा। क्वेश्चन नंबर 32, अरे भैया वीवो मोबाइल है, ये वीवो है समझना। खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम फतुल्ला बांग्लादेश में है और यहां पर इंडिया और बांग्लादेश का कई सारे मैच हुए, कई सारे मैच खेले जा चुके हैं।
तो खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम फतुल्ला मध्य बांग्लादेश में है। कहां? अब देखो ये जैसे दिखा खान साहेब उस्मान, बच्चे के दिमाग में ओमान आ रहा है, बच्चे के दिमाग में लखनऊ आ रहा है, कराची आ रहे हैं, मतलब कुछ भी डाल दो जितने सारे नाम है दिमाग में कोई ना कोई सही होगा। सर सिलेक्शन जो नाम है, नाम लिखिए कि सर मेरा नाम ये है, मैं जॉब कर रहा हूं, तभी तो पता चलेगा यार ये कौन हो। ऐसा तो नहीं कि फर्जी है, नाम लिखो बच्चे। विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस अब यहां 29 अगस्त लगाओगे, पता है मुझे ये 29 अगस्त लगेगा, देखना अभी अभी तो किसी का जवाब नहीं दिखा है। ईशानी जी का पहला जवाब 6 अप्रैल, चंदन जी का भी 6 अप्रैल, देखो दीपक कुमार 29 अगस्त दिख गया, शाहिद कपूर 29 अगस्त दिख गया, मुझे पता था कि 29 अगस्त मैक्सिमम जवाब आएंगे, 29 अगस्त मैक्सिमम जवाब आएंगे। काहे गलती करते हो जब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल है क्या? अच्छा ये बताइए, मेरी आंख खराब है, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा बेटा तुम्हारा आंख खराब है, क्यों? मुझे दिख रहा है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय, लेकिन अगर आपकी आंखें खराब है तो ये देखो ना, ये इंटरनेशनल कह रहा है, नेशनल नहीं। 29 अगस्त की क्या सोचकर मारे थे, क्या सोचकर लगाए थे कि सरदार खुश होगा, रोहित सर खुश होंगे, शाबाशी देंगे, कतई नहीं। 6 अप्रैल इज राइट, 29 अगस्त सर राष्ट्रीय खेल है जो ध्यानचंद के, ध्यानचंद ना सरदार खुश होगा ना रोहित सर खुश होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, सोच लो कैसे कैसे क्वेश्चन आज मिले हैं आपको, आज नशा खोल देगा आपका, नशा समझते हो ना कि दिमाग खोल देगा, नस नस दिमाग की जो नस है। आज कई सारे बच्चों के गुरूर टूटेंगे, मेरी तैयारी मस्त है। सिंडिकेट बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? केनरा बैंक। किस बैंक में? केनरा बैंक में विलय किया गया। कहां किया गया? केनरा बैंक में विलय किया गया। संदीप पांडे, अब देखो नाम आया, ये देखो मर्जर बैंक जो है सर, इंडियन बैंक अलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हो गया, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया, यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हो गया। तो आप इसे याद कर लेना, हिंदी में लिख दे रहे हैं, याद कर लेना, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो उस स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में किस बैंक की स्थापना की गई थी, किस बैंक की स्थापना की गई थी, जल्दी। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तब किस बैंक की स्थापना की गई थी? किस बैंक की स्थापना की गई थी? जल्दी, या इंडियन बैंक की स्थापना की गई थी, याद रखना, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, क्वेश्चन समझना। मैंने पूछा है कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905-1906 की बात करते हैं, तब इंडियन बैंक की स्थापना की गई थी। कौन, किस बैंक की? इंडियन बैंक की। कुछ भी कह दो, पीएनबी पीएनबी रट्टा मारे जा रहे हो, या तो एक काम कर लो, या तो स्वदेशी बैंक के ईयर को याद करो या पीएनबी के ईयर को याद करो। पीएनबी का स्थापना हुआ था 1896 के आसपास। कुछ भी मारे जा रहे हो। थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन, अठारह सौ चौरानवे 1896 देख लेना कब हुआ था।
ये मत बोलना सर आपने 1896 कहा, मैंने कहा 1894-96 के आसपास देख लेना ईयर। आरोग्य सेतु, इसे तो सही लगा दो, इसे तो सही लगा दो। भारत सरकार पूरी खुश है कि भैया कितने सारे इंडियन इसे डाउनलोड कर लिए हैं। चंदन देवांगन जी का जवाब दिखा, बहुत बढ़िया। ईशानी का भी जवाब दिखा, राकेश का भी दिखा। आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु केयर, ये देखो, ये देखो, स्नेहा शर्मा जी केयर कह रही हैं। यार मोदी जी तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि आरोग्य सेतु को भारत में 2 से 2.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, जिनमें से स्नेहा शर्मा नहीं है। मतलब सोचो, ये तो क्वेश्चन आसान सा सवाल था, ये तो बता देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। कपूथला कोच फैक्ट्री में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या रखा गया है? जीवन रखा गया। अब देखो, इसकी भी जवाब नहीं देंगे आप लोग, मुझे पता है इसकी भी जवाब नहीं मिलेगा, मुझे इसका भी जवाब नहीं मिलेगा। देखना जीवन, देखो क्यों नाम ना ले ईशानी जी का, बताओ जवाब दिख रहा है तब। मिस्टर का भी जवाब, सरिता जी का भी जवाब दिखा। सोचो ना आपकी तैयारी कहां यार, आप तो घर बैठे हो, न्यूज तो देखते ही होंगे। क्या करते हैं आपके पापा, न्यूज देखने के लिए मना करते हैं क्या? अच्छा न्यूज चल रहा है, क्या कर रहे हो? न्यूज देख रहे पापा, जाओ इधर से। यार ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले समय में एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में 200% रखे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। सर डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर रघुराम गोविंद राजन, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार समूह के लिए चुना गया है, सलाहकार समूह के लिए चुना गया है। मालविकाग्नि मित्रम वाज रिटेन बाय, ये लिखा गया कालिदास के द्वारा। तो सर इंडियन शेक्सपियर, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार, संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम देखते लिख स्क्रीनशॉट ले लेना। रघुवंशम, रघुवंशम, तो मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, मेघदूतम, विक्रमोवर्षीयम, विक्रमो, विक्रमो वर्षीयम, ये सब इनके नाम हैं जो लिखे हैं। सबसे ज्यादा मशहूर है मालविकाग्नि मित्रम, समझ में आ गया? तो कितने 5-6 किताबें लिखे गए इनके द्वारा, कौन याद रखेगा? क्वेश्चन नंबर 39। याद है तो फिर कहना ही नहीं, अगर याद है आपको तो फिर बिल्कुल। और शाम को भी टेस्ट है, याद रखना, 6 से 8 2 घंटे की लाइव टेस्ट शाम को भी है, तो मिस मत करना, उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, सोचने का समय भी मिलेगा।
वह एक चीनी बौद्ध भिक्षु जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, फाहयान, यानी भारत की यात्रा पर आने वाला पहला चीनी भिक्षु कौन था? फाहयान था। कौन था? फाहयान था, याद रखना। लाइक कर दो जरा सेशन को बच्चों, जरा जितने सारे बच्चे हैं यार कम से कम लाइक तो दिखनी चाहिए ना। राष्ट्रीय पंचायती दिवस या पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल क्यों? क्योंकि सर 73वें संविधान संशोधन की बात करेंगे 1992 लेकिन इंप्लीमेंट होता है 24 अप्रैल 1993 से, इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लॉर्ड डफरिन के समय आईएनसी की स्थापना की गई 1885 में, और जो था वो एनसीपी था, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। ये आप कंफ्यूज किए थे उस समय, गलती किए थे, तो लॉर्ड डफरिन के समय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, बच्चे स्विच करोगे क्लास को पूरा देखो, तब एक आइडिया लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो सेशन को पूरा देखिएगा तभी तो लगेगा कि 50 क्वेश्चन मैंने कितने सही किए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप कुछ बच्चों के नाम लेते हो, यार वो रेगुलर सेशन कंटिन्यू सेशन देखते हैं। दसवीं अनुसूची जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में किया गया था, 1985 में राजीव गांधी के समय में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। तो सर नमक की बात करेंगे तो गुजरात किसके किसके प्रोडक्शन में नंबर वन है? नमक, मूंगफली और कपास, तीनों के प्रोडक्शन में गुजरात नंबर वन है। यानी नमक से गुजरात तीन चीज में, तीन के प्रोडक्शन में नंबर वन है, याद रहेगा गुजरात। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में से प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तय की गई है? चौथी अनुसूची में, और आर्टिकल 80 कहता है कि मैक्सिमम 250 होंगे, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, नमक सत्याग्रह, हाँ बिल्कुल आकाश, नमक सत्याग्रह भी हुआ था। Which port is known as Queen of Arabian Sea? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जानते हैं? कोची, कोची पोर्ट को
अरब सागर की रानी के रूप में जानते हैं। मेरा कंसर्न है कि आज वाले जो शो होते हैं मैक्सिमम लोग जवाब दो, उससे क्या होगा पता है, स्टेचू बने रहेंगे, सबका कमेंट्स देखेंगे, नहीं समझ में आएगा, सोचो ना यार गलत हो या सही हो, कुछ तो निकल कर आएगा। चंद्रप्रभा सेंचुरी इज लोकेटेड इन, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहां स्थित है? वाराणसी, कहां? वाराणसी में स्थित है। कहां है बच्चे? वाराणसी में स्थित है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। वाराणसी की बात करेंगे, यहीं पर एक सारनाथ, यहीं पे सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पतनम, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, जिसे हम धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यूपी में जिसने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने यहां राज्य नहीं पूछा ना प्लेस पूछा, तो अगर आपने यूपी कहा तो 100% सही, वाराणसी कहते हैं और अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, रोहित ठाकुर जी मैसेज बिल्कुल आ जाता है बच्चे, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मौजूदगी है, जो हीमोग्लोबिन हीमैटिन आयरन कंपाउंड है, और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, जो कहां मौजूद होगा? आरबीसी में मौजूद होगा। जो कहां मौजूद होगा? आरबीसी में मौजूद होगा। नहीं उमेश पाल जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हाइट मैटर नहीं करता है। किताबुर रेहला की बात करेंगे, इब्न बतूता, अब आप लगाओगे अलबरूनी, बहुत सारे बच्चे अलबरूनी लगाएंगे, कई सारे बच्चे देखना भी कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं। देखो दिग्गज छोटी शर्मा जी अलबरूनी, मुझे पता है ना गलती कहां करेंगे। हाँ एक बच्चा आए हैं बीरेन, देखो भैया बीरेन गराई आए हैं 48 नंबर क्वेश्चन में और कहते हैं रिकॉर्डेड क्लास है। भैया सो के उठे हो कहा अभी? मुझे पता था कि कहां लगाओगे, क्यों? किताबुल हिंद जो है उसके चक्कर में अलबरूनी लगेगा। मैंने पहले रेहला लिखा, फिर मैंने कहा नहीं, पूरा नाम लिख दो किताबुर रेहला। मुझे ये देखना है कि कितने बच्चे गलत करते हैं, काहे गलत करते हो? किताबुल हिंद होता तब अलबरूनी होता, रेहला है तो इब्न बतूता होगा, मुझे पता था ना कि कहां गलती करना है। सर ये आपके माइंड को ना जो एग्जामिनर है वो पढ़ चुका है कि आप कैसे सोचते हो, इसीलिए आपसे गलती करा जाता है। वो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक के समय में आया है। और जितने बच्चे जुड़े हैं ये रिकॉर्डेड क्लास है, याद रखना ये आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है। ठीक है, ये आपको रिकॉर्डेड क्लास है। क्वेश्चन नंबर 49, गुप्ता जी विकास जी तो सोचना पड़ेगा ना।
1615 में सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, यहां भी गलती करोगे आप, यहां भी गलती करोगे, कैप्टन हॉकिंस लगाओगे, देखना। अच्छा रिकॉर्डेड नहीं है, सर थॉमस रो बोले यहां भी गलती करोगे, कई लोग कैप्टन हॉकिंस लगाएंगे, मान जाओ हॉकिंस वालों, कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था, 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस। मतलब आप लोग जो गलती करते हो, दर्द देखा नहीं जाता मेरे से कि यार इतना आसान सवाल कैसे करोगे, जब यहां साफ लिखा है कि जेम्स फर्स्ट का जो राजदूत है, जबकि कैप्टन हॉकिंस के समय में ये लिखा ही नहीं जाता, वो केवल व्यापारिक बात करने आता है जहांगीर के समय में, जहांगीर के समय में। तो याद रहेगा सर थॉमस रॉ 1615 में और कैप्टन हॉकिंस 1608 में, 1608 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए यूपीएसआई क्लास नहीं चल रही है बच्चे, ये भी क्लास आपके लिए जरूरी है, यूपीएसआई क्लास मंडे टू फ्राइडे। इलेक्ट्रिक कारों में उपयोग की जाने वाली बैटरी की बात करेंगे, लिथियम आयन बैटरी है, चाहे इलेक्ट्रिक कार हो या आप मोबाइल यूज करते हैं उस मोबाइल में भी लिथियम की बात करेंगे। अच्छा बताइए जरा सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु, हल्की धातु क्या होगा, हाँ सीजियम कह दो, फ्रेंसियम कह दो, कुछ भी कह दो, ऑक्सीजन कह दो, कार्बन डाइऑक्साइड कह दो, आपको किसने रोका, आपको कौन रोकता है, कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। तो कैसा लगा सेशन आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो खत्म होने के बाद, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं जितने बच्चे जुड़े, यार कमेंट तो कम से कम कर दो, पता 1000 बच्चे जुड़ते हैं, कमेंट्स कितने दिखेंगे, 4, 5, 15, 20, लगता है कि बगल वाले, तो ऐसा तो नहीं है कि बगल वाले का कमेंट मैंने जोड़ लिया। अगर सेशन मजा आया होगा तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और शाम को 6 से 8 भी क्लास से जुड़ना जरूर, वहां भी मजा आने वाला है ऐसे ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किए हैं, जहां पर फ्री क्लासेस कई सारे मिल रहे हैं आपको, आकाश सर का भी और मेरा भी लेक्चर देखने को मिलेगा फ्री क्लासेस, तो बिल्कुल इंस्टॉल करिए और ज्वाइन करिए, और अगर आप DRDO में जुड़ना चाहते हैं तो उसे भी इंस्टॉल करिए, ओपन करिए, मोबाइल नंबर डालिए, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो गोल आपका होना चाहिए DRDO के लिए CBS, APCAT, CAPF, SSC के लिए SSC एग्जाम, रेलवे के लिए रेलवे, और अगर आप स्टेट PCS की तैयारी करते हैं तो UPSC टाइप करेंगे, कई सारे एजुकेटर मिलेंगे आपको पढ़ाने, तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कितने मंथ का, तो मैं हमेशा कहता हूँ सर मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 12 मंथ, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद रेफरल कोड, जो मेरा रेफरल कोड है BA BA10, यहाँ टाइप करोगे, फिर अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, SSC का 6000 घटकर हो गया 5400। तो कैसे पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जैसे करना है आप कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है सब्सक्रिप्शन लेने में तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ये मैसेज मत कर देना कि सर NTPC के क्वेश्चन के लेवल बढ़ाओ, क्वेश्चन के लेवल घटाओ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन के लेवल, तो अगर ऐसा है तो कुछ क्वेश्चन बता दो ना, मेरे लिए सहूलियत हो जाएगा। आप मुझे FP पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, Instagram पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा चैनल Telegram पर जहां आपको PDF मिल जाएगा अभी, और ये ग्रुप में ऐड होइएगा तो वहां क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। तो मिलते हैं शाम के 6 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।